Hey guys, this is Malika. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And आज हम बात करने वाले हैं ECA के बारे में. मैं अभी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाली हूँ मेरे आगे के वीडियोस में. सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ECA क्या होता है एंड बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, सो जरूर वो वीडियो जाकर के देखिए ताकि आप समझ जाए कि ये शॉर्ट फॉर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम बात करने वाले हैं ECA के बारे में. ECA इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ECA का मतलब है एडुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. एडुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट हमें इसलिए कराना होता है बिकॉज हमारी जो दूसरी कंट्री की डिग्री है, जैसे हम कैनेडा PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो हमने जहाँ पे भी एडुकेशन हमारा करा है, जैसे मैंने तो मेरी एडुकेशन इंडिया में करी है, अगर आपने कोई और कंट्री में एडुकेशन किया है तो हमारी सारी एडुकेशन जितना भी हमने किया है उसकी इक्विवेलेंसी कैनेडियन डिग्री में कितनी है ये हमें ECA बताता है एंड उस हिसाब से हमें उसके पॉइंट्स मिलते हैं. सो हमारा जो ECA है ये कैनेडा गवर्नमेंट नहीं, ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस करती हैं. सो देर आर 5 थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस जो ये प्रोसीजर करती है एंड हमारी डिग्री की वैलिडिटी हमें बताती है. इसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर है WES, WES जिसे हम वर्ल्ड एडुकेशन सर्विस बोलते हैं. उसके बाद है ICAS विच इज इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस एंड बाकी और सारे. आप अपना ECA कोई भी इंस्टीट्यूशन से करा सकते हैं. मैंने अपनी ECA WES से कराई बिकॉज वो सबसे फास्टेस्ट था एंड फीस ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही है. ECA करने में ऑलमोस्ट 2 months का टाइम जाता है बिकॉज WES इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1 month का टाइम ले लेती है आपकी डिग्री को इवेल्युएट करने में. बाकी के ट्रांसक्रिप्ट जो आपको आपके कॉलेज से लेने होते हैं एंड यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होते हैं इसमें टोटल 20 to 30 days लग जाते हैं. ओवरऑल प्रोसीजर इसका 2 months लगता ही लगता है. मैंने वैसे कराया इसलिए मुझे 2 months लगा. अगर आप कोई और इंस्टीट्यूट से कराते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है. अगर आप सिंगल जा रहे हैं या कपल जा रहे हैं या फैमिली में जा रहे हैं, आपको सबका ECA कराना इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसके पॉइंट्स आपको आगे जाकर के मिलते हैं. आपके डिपेंडेंट का ECA करने के लिए भी आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है. अकाउंट कैसे बनाना होता है एंड WES के साइट पे करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है इसका भी मैं आपको एंड में बताऊंगी इस वीडियो में. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें WES की साइट पे जाना होता है एंड हमें वहाँ पे एक अकाउंट बनाना होता है. WES की साइट पे जाकर के हमें अपने सारे डिटेल्स हमारे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होता है. सो गाइज ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे जितने भी स्टेप्स आगे होने वाले हैं हमें हमारे सारे डिटेल्स हमारे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल नहीं करना है. जब आप अकाउंट बनाते हैं तो WES आपको कुछ तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछता है विच इज आपका एडुकेशन कितना है, आप कौन सी कंट्री से हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन. सो आपको वो सारी चीजें फिल कर लेनी है. उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है. WES के थ्रू ECA कराने के लिए मुझे लगा टोटल $220 + $7 $220 फॉर गेटिंग माई डिग्री असेस्ड एंड $7 डिलीवरी के लिए मुझे लगा. सो टोटल WES ने मुझसे लिए $227. आपकी डिग्री की कितनी इक्विवेलेंसी है या आप WES की साइट पे जाकर के भी एक टूल है जिससे आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट जब आप अकाउंट बना लेते हैं, आप फीस पेमेंट कर लेते हैं तो WES आपको एक रेफरेंस नंबर देता है. ये रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये रेफरेंस नंबर के थ्रू ही आगे पूरा प्रोसीजर होता है. ऑल्सो एक फॉर्म मिलता है आपको जो आपको डाउनलोड करके रखना होता है. अगर आपकी मल्टीपल डिग्रीज है, जैसे आपने मास्टर्स की है, आपकी बैचलर्स की भी डिग्री है, तो आपको ये दोनों डिग्री असेस करानी होती है. अगर आपने PhD करी है तो आपको सिर्फ PhD असेस कराना होता है. मेरा था बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ, तो मुझे 2 फॉर्म लगे, तो मैंने 2 फॉर्म डाउनलोड किया, उसे प्रिंट किया, उसपे ऊपर के सेक्शन में ही मैंने डिटेल्स फिल किए एंड उसके बाद मैं ये दोनों फॉर्म लेकर के मेरे दोनों कॉलेजेस में गए. अब मैं मेरे सबसे पहले गई मास्टर्स कॉलेज में. मास्टर्स कॉलेज में मैं वहाँ पे अपने मास्टर्स के सारे ईयर के सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स फोटोकॉपी लेकर के गई. फोटोकॉपी ही ले जाना है, ओरिजिनल्स कहीं पे भी सबमिट नहीं करना है. WES हमसे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है बिकॉज ये डॉक्यूमेंट हमारे पास वापस नहीं आने वाले हैं. जब मैं मेरे कॉलेज में गई तो उन्होंने मुझसे WES का फॉर्म लिया, उसमें मेरा रेफरेंस नंबर फिल कराया, मेरा डिटेल्स फिल कराया, उन्होंने भी अपना एक फॉर्म दिया. उन्होंने पर ट्रांसक्रिप्ट मुझसे ₹500 लिए एंड उन्होंने मुझे कहा कि 7 days में आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा. उसके बाद मैं मेरे बैचलर्स के कॉलेज में गई, वहाँ पे भी मैंने फॉर्म सबमिट किया एंड उन्होंने मुझसे 750 पर कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट लिया. टोटल मिला के मेरा खर्चा हो गया ₹1250 फॉर गेटिंग ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम बोथ ऑफ माई कॉलेजेस. बट अभी तक मुझे ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला. जब 7 days के बाद मैं मेरा ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट करने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, ट्रांसक्रिप्ट चेक कर लो. सो मैंने मार्क्स के साथ ट्रांसक्रिप्ट्स को मैच किया. मिस्टेक था, रेक्टिफाई करना.
ऑलवेज चेक योर नेम, योर मार्क्स एंड सेमेस्टर भी चेक करो. ऑल्सो रिमेम्बर गाइज, अब सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो चुका है, तो जैसे ही वो आपको चेक करने देते हैं, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपके हाथ में देते हैं, आपको उसे तुरंत स्कैन करना है. हमारे फोन में काफी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं. मैंने अडोब स्कैन यूज किया एप्लीकेशन एंड मैंने उससे स्कैन कर लिया डॉक्यूमेंट. क्लियर एंड क्रिस्प स्कैन करना प्रॉपरली. अब इसके बाद जब मेरा ट्रांसक्रिप्ट फाइनल रेडी हो गया, तो वो लोग मुझे ये ट्रांसक्रिप्ट एक सील्ड एनवेलप में देंगे. इसे हमें टैम्पर नहीं करना है, ना ही हमें खोलना है. एक एनवेलप सील रहेगा. मेरा ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसा था, सील्ड एनवेलप. हर जगह कॉलेज के स्टैम्प होने चाहिए एंड कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो हमें ये ट्रांसक्रिप्ट बना करके दे रहे हैं इंस्टीट्यूशन के, उनका साइन होना चाहिए. आपने आपके ट्रांसक्रिप्ट स्कैन कर ली है और ये एनवेलप भी अब सील हो गया है. अब आप इसे खोल नहीं सकते हैं. आपका वेस का फॉर्म एंड ट्रांसक्रिप्ट आपको दोनों ही स्कैन करके आपके फोन में रख लेना है या आपके लैपटॉप में एक जगह रख लीजिए डॉक्यूमेंट बना करके. इसके बाद में गई बैचलर्स में, वहां पे से भी मैंने मेरा ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट कर लिया, स्कैन कर लिया एंड सील्ड एनवेलप में मुझे ये मिल गया. ये मेरे पास है ट्रांसक्रिप्ट. अब आगे क्या करना है गाइज, इसके बाद अब सिंस सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है, तो हमें यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों ही मुंबई यूनिवर्सिटी से करी है, तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे गई. वहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया, अपना अकाउंट बनाया. हमें यूनिवर्सिटी के साइट पे जाकर के हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने होते हैं, हमारी सारे सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स अपलोड करनी होती है एंड उसके बाद हमें फीस पेमेंट करना होता है. मेरा सिंस बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों है, तो मुझे दो कैटेगरी चूज करना पड़ा. उसका भी वीडियो मैं बना करके आपको बताने वाली हूँ कि आप पूरा प्रोसीजर किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी. उसके बाद फीस पे करना होता है एंड सबमिट कर देना होता है. यूनिवर्सिटी ने मुझसे 536 रुपीज लिए फॉर डूइंग दिस प्रोसीजर. ऑल्सो गाइज, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, गवर्नमेंट का साइट है, सो यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम. मैं यूज करती हूँ मैक एंड मैं मैक का ब्राउजर यूज करती थी सफारी, बट सफारी से इतने इश्यूज आ रहे थे, डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो रहा था. अपलोड हो रहा था तो दिखा ही नहीं रहा था. मैं टेंशन में आ गई कि क्या होने वाला है. उसके बाद मेरे माइंड में अचानक से क्लिक हुआ कि नहीं, ये गवर्नमेंट का साइट है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम ही यूज़ करना पड़ेगा. एंड जब मैंने यूज़ किया तो मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड हो गया एंड मैंने फीस पे कर दिया एंड डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया. अब गाइज, इसके बाद क्या करना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि आपका आपका डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है. अब मैंने यूनिवर्सिटी के साइट पे ये 20th of July अपलोड किया था डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसका स्टेटस चेक करते रही. एंड उसके बाद जब वहाँ पे स्टेटस आया कि वेरीफाइड साइंड एंड देन लास्ट स्टेटस जो आता है वो है योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेंट टू WES. अब जब ये डॉक्यूमेंट हमारा सारा WES को चला जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें WES का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ताकि आप इसे फास्ट वे में ट्रैक कर सके. सो मैंने WES का एप्लीकेशन डाउनलोड किया एंड मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही थी एवरी डे. 8th of August को मुझे मैसेज आ गया, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड व्यू रिपोर्ट करके. तो मैंने रिपोर्ट देखा तो मेरा एडुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट आ गया था एंड ये भी उसमें मैसेज लिखा था कि द डॉक्यूमेंट हैज बीन सेंट टू द रिसिपियंट विच इज IRCC. सो गाइज, मैंने मेरा जब रिपोर्ट चेक किया तो बैचलर्स का तो बैचलर्स डिग्री था, बट मुझे मास्टर्स की इक्विवेलेंसी 1 year डिप्लोमा में मिली. कनाडा हमारे MBA को मास्टर्स इक्विवेलेंसी नहीं करती है, बिकॉज मेरा 2 साल का ही MBA था एंड मेरा 3 साल का ही बैचलर्स डिग्री था. तो मुझे इसके मिले 119 पॉइंट्स ओनली मेरे ECA के. अगर मैंने यही ICAS से कराया होता तो मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक की और मैंने 7 पॉइंट्स लूज कर दिए. सो गाइज, ये था पूरा ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसीजर. हमारा रिपोर्ट जनरेट हुआ, मुझे मेरा ECA का रिपोर्ट मिलने में अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज ही लगे. बाकी का टाइम जो मेरा गया वो था कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ट्रांसक्रिप्ट लेना, अपलोड करना, ये सब में थोड़ा टाइम गया, बाकी और कुछ नहीं. मेरा प्रोसीजर ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 month के अंदर ही हो गया. सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप वेस्ट के साइट पे जाकर के अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी कैसे चेक कर सकते हैं. नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी कि आप वेस्ट का अकाउंट कैसे बनाएंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. एंड नंबर 3 मैं आपको बताऊंगी कि अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी पे अपना ट्रांसक्रिप्ट कैसे अपलोड करें एंड किस तरीके का स्टेटस रहेगा. एंड नंबर 4 मैं आपको बताऊंगी वेस्ट का रिपोर्ट किस
किस तरीके से आया। ऑल्सो गाइज, आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट WES को डायरेक्टली नहीं भेजना है, कोई भी ईमेल से नहीं भेजना है, कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है। ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, बस यही प्रोसीजर है एंड मैंने ये प्रोसीजर 2020 में किया है। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपका इसी प्रोसीजर इजिली हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ICAS यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेस्ट के थ्रू जा सकते हैं एंड अपना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है जो ये मुझे वीडियो में करना चाहिए, सो डू लेट मी नो योर सजेशन गाइज। एवरीथिंग इज मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मोर सच वीडियोज कमिंग सून। आगे के प्रोसीजर्स के वीडियो मैं बना रही हूँ ऐसे ही सिंप्लीफाइड स्टेप में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आपका प्रोसीजर फास्ट हो जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।